नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं, मैं हूं करिश्मा। बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी है, इसके बावजूद भी लोग शराब के बोतल के साथ या शराब की तस्करी करते हुए पकड़े जाते हैं। बिहार में शराबबंदी की क्या तस्वीर है, क्या हाल है, यह बिहार के वैशाली जिले से देखने को मिला है। आपको बता दें कि बिहार के वैशाली जिले के ग्रामीणों ने एक पुलिस को शराब की भरी बोतलों के साथ पकड़ा है। दरअसल पुलिस का जवान कहीं जा रहा था, इस दौरान उसका एक्सीडेंट हो गया, जिसके कारण वह बाइक से गिर पड़ा, जिसके बाद उनकी शराब से भरी बोतलें भी सड़क पर बिखर गई, जिसके बाद ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने पुलिस की जमकर पिटाई कर दी। पहले आप इस वीडियो को देखिए। वैशाली जिले के महुआ में स्थानीय लोगों ने एक पुलिस के जवान को शराब से भरी बैग के साथ दबोचा। यह पूरा मामला महुआ पत्तेपुर सड़क का है। आपको बता दें कि जिरवार गांव के पास बाइक से जा रहे पुलिस के एक जवान का एक्सीडेंट हो गया। पुलिस का जवान सड़क पर गिर गया, इस दौरान उनकी बोतलें भी सड़क पर बिखर गई, इसके बाद ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने पुलिस कर्मियों की जमकर धुनाई कर दी। आक्रोशित लोगों का कहना है कि जब पुलिस वाले ही शराब का कारोबार कर रहे हैं तो शराबबंदी का क्या मतलब। कई लोगों ने आरोप लगाया है कि पुलिस शराब लेकर घूमती है और जबरन निर्दोष लोगों को फंसा देती है। इस पूरे हंगामे के बीच थोड़ी देर बाद अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया। उन्होंने पुलिस के जवान को बंधक बना लिया। उसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस, तब जाकर वह छोटा पुलिस ने आरोपी जवान को गिरफ्तार कर भी लिया। शराब के साथ पुलिस के जवान के बारे में जो जानकारी मिल रही है, उसके मुताबिक वह पत्तेपुर थाने में तैनात है। छुट्टी को लेकर वह अपने घर जा रहा था, तभी सड़क पर उसका एक्सीडेंट हो गया और बैग में रखी बोतलें भी सड़क पर बिखर गई। पत्तेपुर थाने में तैनात पुलिस का जवान शराब से भरी बोतलें लेकर जा रहा था, इस दौरान उसका रोड पर एक्सीडेंट हो जाता है। तभी ग्रामीण शराब से भरी बोतलें देखते हैं और तब पुलिस का जवान ग्रामीण का शिकार हो जाता है। वहीं इस मामले को लेकर एसपी का कहना है कि बीएमपी का एक जवान शराब की भरी बोतलों के साथ पकड़ाया है, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है, फिलहाल पूछताछ की जा रही है। अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस इस पर क्या कुछ कार्रवाई करती है। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे लाइव बिहार। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।